चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासाम् ततो जयमुदीरयेत्। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानशालिने वनमालिने महाभावस्वरूपास्त्वम् कृष्णप्रियवर्यसि प्रेमभक्ति प्रदे देवी श्रीराधिका त्वम् नमोऽस्तु ते। हरे कृष्ण, स्वागत है आपका ब्रजमंडल महिमा माधुरी में। तो आज हम जा रहे हैं कोकिल वन, जिसको कोकिला वन कहा जाता है। तो नंदगांव से लगभग 3 मील दूरी उत्तर पे और जावट से 1 मील पश्चिम में यह वन स्थित है और अभी भी ये एक सुरक्षित रमणीय वन है, जहां पे मयूर, मयूरी, शुकसारी, फिर नील गाय, हिरन आदि पशु भी यहां घूमते हुए हमें दिखाई देते हैं। और विशेषता इस वन में सैकड़ों कोकिले मीठे स्वर में कुहू कुहू करते रहती है। अब ब्रज के अधिकांश वन नष्ट होने के पश्चात भी यह कुछ सुरक्षित वन है, उसमें से ये एक। और इस वन की प्रदक्षिणा 2.25 माइल, 2.25 कोस की है। और यहां पे एक रासमंडली भी स्थित है और एक सरोवर भी है जिसको रत्नाकर कहा जाता है। तो यहां की लीला प्रसंग ऐसे है कि एक बार कौतुकी कृष्ण गोचारण के लिए यहां पे आए थे और श्री जी के दर्शन की उत्कंठा थी, किंतु उनकी जो सास और ननंद थी जटिला और कुटिला, वो सबसे बड़ी बाधा थी राधा कृष्ण के मिलन में। तो अपने संकेत स्थान पे कई समय तक प्रतीक्षा करने के पश्चात कृष्ण एक पेड़ के ऊपर चढ़ गए और वहां से फिर कुहू कुहू कोयल की कुहू कुहू करने लगे और इतनी जोर से करने लगे कि जटिला जी थी वो भी विस्मित हो गई। बोली, इतने ऊंचे स्वर से कौन सी कोयल गा रही है और कब से गा रही है? तो उस समय जटिला ने विशाखा को संबोधित करते हुए कहा, विशाखे, मैंने कोकिलाओं की मधुर को तो बहुत सुनी है, किंतु आज तो यह कोयल अद्भुत रूप से बड़ी देर तक कुहक रही है, ऐसा कभी नहीं हुआ। श्री जी ने और विशाखा जी ने तो समझ लिया था कि यह कौन सी कोयल गा रही है। तो विशाखा जी ने जटिला को पूछा, दादी जी, हमने भी ऐसे कुक नहीं सुनी है, यह तो अद्भुत कोयल है, यदि आदेश हो तो हम इस निरारी कोकिल को देख के आए। तो उस वृद्धा ने प्रसन्न होकर उनको जाने का आदेश दिया और सखिया बड़ी प्रसन्न हो गई और कोकिला वन में वो पहुंची और फिर यहां पे वे भगवान श्री कृष्ण से मिली और बहुत ही सुंदर यहां पे जल क्रीड़ा और रास लीला हुई। और इसीलिए आज भी यहां पे एक रासलीला का सिंहासन भी है। भक्ति रत्नाकर सिंधु में कहा, भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कि जावटेर पश्चिमे ये वन मनोहर, लक्ष लक्ष कोकिल कुहरे नियंत्र, एक दिशन कृष्ण आइये वने ते आसिया, कोकिल सदृश शब्द करे हर्ष हैया, सकल कोकिल हैते शब्द सुमधुर, ये सुने बारे कतार धैर्य जाय तोर, जटिला कहे है विशाकारे प्रिय वाणी, कोकिलेर शब्द ऐसे कभु नाही सुनी,
विशाखा कहे यही मोर सभार मने, यदि कह ये कोकिले देखी की आग मने। वृद्धा कहे जाओ शुनी उल्लास शेष, राई सखी सह वने करीला प्रवेश। हईल महा कौतुक सुखेर सीमा नाई, सकले ये आसिया मिलीला एक ठाई। कोकिलेर शब्द कृष्ण मिले राधिकारे, ये हेतु कोकिला वन कहे इहारे। तो इसको कोकिला वन क्यों कहा जाता है ये भक्ति रत्नाकर में यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे एक रत्नाकर कुंड है। कहते हैं कि एक बार सखियों ने अपने अपने घर से दूध लेकर आए और इस सरोवर को उन्होंने प्रकट किया। नारद पंचरात्र में कहा गया है, सख्या क्षीर समुद्भूत रत्नाकर सरोवरे, नाना प्रकार रत्नानाम उद्भवे वरदे नमः। कहते हैं कि सखियों ने अपने अपने घरों से दूध लाकर इस सरोवर को प्रकट किया था। इस सरोवर से नाना प्रकार के रत्न निकलते थे, जिससे सखिया श्रीमती जी का श्रृंगार करती थी। और समस्त पापों को क्षय करने वाला तथा धन धान्य प्रदान करने वाला यह सरोवर भक्तों को श्री राधा कृष्ण युगल की अहितु की भक्ति रूप महान रत्न प्रदान करता है। तो आइए मानसिक रूप से इस रत्नाकर सरोवर में हम स्नान कर ले और आशा करें कि वो जो दिव्य महान रत्न है श्री श्री राधा कृष्ण के युगल प्रेम का, वो हमें प्राप्त हो। और जैसे हमने अभी बताया कि भगवान कोयल की आवाज निकालकर यहाँ पे सखियों को और श्री जी को बुलाते और रासलीला करते हैं, तो यहाँ पे रासमंडल भी है। यहां से थोड़ी दूर पे और एक परिक्रमा में ही स्थान आता है जिसको आंजनोक कहते हैं। तो अष्ट सखियों में से एक विख्यात सखी है जिन्हें विशाखा सखी कहा जाता है, ये इनका निवास स्थान है। फिर नंदगांव से 5 मील दूर पर और पूर्व कोण में यह अवस्थित है। और नंदगांव से 1.5 मील दूरी पर अग्नेय कोने में एक स्थान है जिसको बिजवारी कहा जाता है। बिजवारी ये विद्युल्लता का अपभ्रंश है। जब अक्रूर जी श्री राम और कृष्ण जी को लेकर मथुरा जा रहे थे तो यहीं पे गोपियों ने इनका रथ थाम लिया था और वे पूरी तरह से मूर्छित होके पड़े थे। ऐसे मूर्छित हो गए कि जैसे कोई विद्युल्लता बिजली गिर पड़ी हो। तो इस विद्युल्लता का या विद्युत पुंज का जो अपभ्रंश है उसको बिजवारी कहा जाता है और इसी के नाम इस स्थान को बिजवारी कहा जाता है। और इस स्थान से और नंदगांव के बीचों बीच एक स्थान है जिसको अक्रूर स्थान कहा जाता है, जहां के शिलाखंडों पर भगवान श्री कृष्ण की चरण चिन्ह है। फिर यहां से थोड़ा सा आगे एक स्थान है जिसको परसो कहा जाता है। तो रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण को गोपियों ने विरह व्याकुल होकर उन्हें रोकने का प्रयास किया तो ठाकुर जी ने उनको बताया कि मैं शपथ खाकर कहता हूं कि बस परसों यहां मैं अवश्य लौट आऊंगा आपको भी मिलने के लिए। और तब से इस गांव का नाम परसो हो गया। यहां पे 2 गांव है छोटे छोटे, एक का नाम है सी, दूसरे का नाम है परसो। तो शीघ्र ही आऊंगा करके बार बार भगवान ने कहा, तो इस शीघ्र शब्द से इस लीला स्थान का नाम सी पड़ा। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है, मथुरा हैते शीघ्र करीब गमन, यही है तो शीघ्र सी कहे सर्वजन। और इसलिए इस स्थान का नाम शीघ्र है। फिर और एक स्थान है यहां पे जिसको कामई कहा जाता है और ये कामई विशाखा जी का जन्म स्थान है। पहले जो हमने देखा अजनो वो उनका निवास स्थान है और यहाँ पे ये इनका जन्म स्थान है। ये बरसाना गांव से 5 मील की दूर पर है
और उमराव गांव से 4.5 मील की दूरी पर है। और दूसरा है करेहला, ये ललिता जी का जन्मस्थान है और करहाला गोपी के पुत्र गोवर्धन मल्ल अपनी पत्नी चंद्रावली के साथ यहाँ कभी कभी रहा करते थे और कभी कभी सखीथरा यानी सखीथली जो गोवर्धन के निकट है वहां पर रहते थे। तो चंद्रावली के पिता का नाम था चंद्रभानु गोप और वे वृषभानु जी के भाई थे। वृषभानु के ये 5 भाई थे, वृषभानु, चंद्रभानु, रत्नभानु, सुभानु और श्रीभानु। तो वृषभानु जी सबसे बड़े थे और श्रीमती राधिका वृषभानु जी की कन्या होने के कारण वे चंद्रावली दोनों एक जैसी बहने लगती थी। और इसी स्थान पे कंकन कुंड है, कदम खंडी है, फिर जहां पे झूलन हुआ करता था श्री वल्लभाचार्य और विठलेश तथा गोकुलनाथ जी की बैठक है यहाँ पे। और भादव पूर्णिमा में यहाँ पे बूढ़ी लीला के प्रसंग में रास लीला का भी आयोजन होता है। फिर और एक स्थान है, यह पिसाई गांव से आधा मील पश्चिम में, जिसको लुधोली कहा जाता है। हाँ, यहाँ ललिता जी ने श्री राधा और कृष्ण दोनों का मिलन किया था और दोनों परस्पर यहाँ पे मिले और इतने एक दूसरे के ऊपर लुब्ध हो गए और लुब्ध होने के कारण ही इस स्थान का नाम लुधोली हो गया। इसी गांव के बाहर उत्तर में ललिता कुंड है जहां श्री जी और ठाकुर जी मिला करते थे और इसी कुंड के पूर्वी तट पर ललिता बिहारी जी का मंदिर है। इसी के पास और एक स्थान है जिसको पिसाई कहा जाता है। ये गांव का नाम पिसाई क्यों हुआ, क्योंकि यहां पे एक तृष्णा कुंड है और एक विशाखा कुंड है और इसी गांव के उत्तर पश्चिम में एक मधोर कदम्ब खंडी भी है। तो गोचारण के समय जब लाला को और उनके सखाओं को और दाऊ जी को प्यास लगी तो दाऊ जी ने यहीं पे आके उनको पानी पिलाया था इन्हीं कुंडों में और इसलिए इस गांव का नाम है प्यास आई, यानी उनको प्यास लगी तो उसी का नाम अपभ्रंश होकर आगे पिसाई हो गया। फिर यहां से थोड़े आगे हम चलते हैं तो एक गांव आता है जिसका नाम है सहार। तो ये नंद जी के जो सबसे बड़े भाई उपनंद जी, उनका स्थान है और लाला के प्रति इनके हृदय में अपरिमित प्रेम था और इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था सुभद्र और उनकी पत्नी का नाम था कुंदनता। ये दोनों भी ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते थे और सुभद्र की एक खासियत थी कि वे ज्योतिष आदि समस्त कलाओं में निपुण थे और कृष्ण के प्रति अत्यंत स्नेहशील और खास करके गोचारण के समय ये सब प्रकार की विपदाओं से कृष्ण की रक्षा करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। और इनकी पत्नी जो कुंदलता जी है वे यशोदा के आदेश से श्रीमती राधिका को जावट से रंधन के लिए यानी भोजन पकाने के लिए नंद भवन लाया करती थी। तो और एक आगे स्थान है जिसको साखी कहा जाता है, जो सहारे से 2 मील उत्तर में है और नरी के आसपास है। यहाँ पे ही भगवान ने शंखचूड़ का वध किया था और उसके मस्तक से मणि निकाल के दाऊ जी को दे दिया और दाऊ जी ने वे धनिष्ठा को देने के पश्चात धनिष्ठा वो श्री जी को जाके दे दी। फिर यहां से जब हम थोड़े आगे जाते हैं मथुरा दिल्ली राजमार्ग पर और लगभग 20 मील
उत्तर पश्चिम यानी पाए गांव से 4 मील नैऋत्य में एक वन है जिसको छत्र वन और अभी इसको छाता कहा जाता है। तो यहाँ की बहुत सुंदर लीला है। इस गांव के ईशान्य में उत्तर पूर्व में सूर्य कुंड है और नैऋत्य में चंद्र कुंड है। तो चंद्रकुंड के तट पर दाऊ जी का मंदिर विराजमान है और सूर्य कुंड के तट पर ठाकुर जी का मंदिर विराजमान है। तो कहते हैं कि एक बार यहीं पर श्रीदामादि सखाओं ने लाला को सिंहासन पर बैठाकर उसे ब्रज का छत्रपति महाराज बनाकर एक अद्भुत लीला यहां पे की। और बलराम जी ठाकुर जी के बाएं ओर बैठे मंत्री बनकर उनकी परामर्श देने के लिए श्रीदामा ने ठाकुर जी के सर पे छत्र धारण किया। मधुमंगल सामने बैठकर विदुषक का कार्य करने लगे। अर्जुन चामर ढुलाने लगा और सुबल तांबुल की बीटिका लेकर उनके तांबुल प्रदान करने का खड़ा हुआ और सुभाव और विशाल ये दोनों प्रजा बन गए। बाकी के जो सखा थे वो प्रजा का अभिनय करने लगे और छत्रपति महाराज कृष्ण ने मधुमंगल के माध्यम से सर्वत्र घोषणा करवा दी कि महाराज छत्रपति नंद कुमार यहाँ के एक छत्र राजा है, यहाँ अन्य किसी का अधिकार नहीं है। और गोपियां प्रतिदिन मेरे बगीचों में आके फूलों का चयन करती है और हमें चोरी कर लेती है तो वे सभी दंडनीय है। तो इस प्रकार से जब ठाकुर जी के अपने मित्रों के साथ कौतुकीय अभिनय लीला चल रही थी उसी के कारण इस गांव का नाम छत्रवन है जिसको छाता कहते क्योंकि भगवान के सर के ऊपर छाता पकड़ लिया था। तो इससे आगे लगभग 4 मील दूरी पर पूर्व दिशा में और एक स्थान है जिसको उमराऊ कहा जाता है। जब ललिता आदि सखियों ने ये कृष्ण की दुहाई और घोषणा सुनी तो नहीं सखियों ने जब सुना तो वो ललिता जी के पास आई और कहने लगे ललिता जी सखी क्रोध काहे बार बार राधिकार राज्य के करिए अधिकार एचिक कही ललिता दि सखी गण राधिकारे उमराओ कैलाई क्षण। तो जब सखियों से ललिता जी ने सुना कि कृष्ण ऐसी उद्घोषणा कर रहे हैं तो ललिता जी बहुत गुस्सा हो गई, बोली कौन है ऐसा जो राधिका के राज्य को अपने अधिकार में कर सकता है, हम इसका प्रतिकार करेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, इसलिए श्रीमती जी को एक रत्न सिंहासन पे बिठा दिया और उनको उमराव होने की घोषणा की। उमराव का तात्पर्य है राज्य के अधिपति से। तो चित्रा सखी ने सिर पर छत्र धारण किया, विशाखा ने चामर ढुलाया, ललिता जी राधिका के साथ बैठकर मंत्री का कार्य करने लगी। तो कोई सखी पान का बीड़ा देने लगे और अवशिष्ट सखियां जो है वो प्रजा का अभिनय करने लगे। और राधिका जी ने सिंहासन पर बैठकर फिर सखियों को आदेश दिया, जाओ जो मेरे राज्य पर अधिकार करना चाहता है उसे पराजित कर बांध कर मेरे सामने उपस्थित। भक्ति रत्नाकर में कहा गया है मोर राज्य अधिकार करे यही जन पराभव करी तारे आने यही क्षण, ले गया उसको थोड़ा। और उमराव का आदेश प्राप्त होती ही सहस्त्र सहस्त्र सखियां हाथों में पुष्प छड़ी लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गई। पास भीड़ बड़े अर्जुन लवंग भृंग कोकिल सुबल मधुमंगल इन सब को उन्होंने घेर लिया और पुष्प मालाओं से बांध कर श्री जी के पास लेके आए। तो मधुमंगल जो था वो पराजित सेनापति की तरह अपना मुंह लटकाए श्री जी के सामने खड़ा था और फिर बोला ठीक है हम पराजित है किंतु दंड ऐसा दो कि हमारा पेट भरे। तो ये सुनने के पश्चात सारी सखियां और श्री जी ठा करके हंसने लगे।
बोली ये तो कोई पेटू ब्राह्मण है, इसको मुक्त कर दो। और फिर सखिये ने मधुमंगल को पेट भर लड्डू खिलाए और उसको छोड़ दिया। तो मधुमंगल लौट कर छत्रपति महाराज श्री कृष्ण के पास आया और पूरा उसने अपने बंदे जाने का विवरण ठाकुर जी को सुना दिया। तो बस अपने सखाओं को लेकर श्री कृष्ण ने उमराओं के ऊपर धावा बोल दिया। जब श्री जी ने अपने प्राणवल्लभ को देखा तो थोड़ी सी सहमी गए और उठने लगी अपने आसन से। तो बाकी सखियों ने हंसते हुए उनको वहीं पे बैठने का, बिठाने का जोर का प्रयास किया और उनको रोकने लगी वहां से उठने के लिए। फिर मधुमंगल ने छत्रपति महाराज नंदनंदन को श्री जी के दक्षिण में बिठा दिया और दोनों में संधि हुई और श्री कृष्ण जी ने राधिका रानी को उमराव और अधिपति करके स्वीकार कर लिया। और तब सखिया बोली, श्री जी अब ये आपके हो गए हैं। और मधुमंगल उतने ही बोला है कि कृष्ण का अंग रूपी राज्य अब तुम्हारा है, अब जो चाहे इनसे भेंट ग्रहण कर सकती। और फिर सारी सखी और सखाई सभी ने क्रीड़ा विलास को देखकर बड़े आनंदित हुए और उमराव लीला के कारण इस गांव का नाम उमराव हो गया और इस स्थान को राधा स्थली भी कहा जाता है। फिर पौर्णिमासी जी ने यहां पर श्री राधिका को ब्रजेश्वरी के रूप में अभिषिक्त किया। यहां किशोरी कुंड है जिस कुंड से लोकनाथ गोस्वामी जी को श्री राधा विनोद विग्रह प्रकट हुए थे। और ये जो श्री राधा विनोद जी है लोकनाथ जी के आराध्य देवत है लोकनाथ गोस्वामी के, और यह विग्रह जयपुर में आज विराजमान है। फिर यहां पे हम इस किशोरी कुंड को प्रणाम करते हुए आगे निकलते हैं और इसी के पास और एक स्थान है जिसको धनशिंगा कहा जाता है। धनशिंगा ये धनिष्ठा सखी का गांव है और धनिष्ठा जी ये कृष्ण पक्षीय सखी है। ये यशोदा मैया को भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए बहुत विविध प्रकार से उनको मदद करती रहती है, उनकी सेवा में नियुक्त रहती है और विशेषतः दूती का कार्य करते हुए कृष्ण से राधिका जी को मिलाती है। तो यहां से हम थोड़ा आगे निकल जाते हैं तो पहुंचते हम कोसी, जिसको कुशस्थली कहा जाता है। तो यहां श्री कृष्ण ने नंद बाबा को कुशस्थली का यानी द्वारका धाम का दर्शन करवाया था। यहां पे गोमती कुंड है जो कि इस गांव के पश्चिम में है और यहाँ की लीला बहुत सुंदर है कि इसका नाम कोसी कैसे हुआ। तो कहते हैं कि एक समय श्री कृष्ण जी श्रीमती जी से मिलने के लिए बड़े उत्कंठित होकर श्री राधिका जी के भवन के कपाट पे आ गए और खटखटा रहे थे। तो भीतर से श्री राधिका जी ने पूछा, कोसी कोसी यानी कौन है? तो ठाकुर जी ने उत्तर दिया कि मैं कृष्ण हूं। तो राधिका जी बोली, उन्होंने कृष्ण शब्द का अर्थ एक सांप के या काले नाग के रूप में पकड़ लिया और कह के, यदि तुम कृष्ण हो तो काले नाग हो तो तुम्हारी यहां क्या आवश्यकता है? क्या मुझे तुम डसना चाहते हो? तुम वन में जाओ, यहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर ठाकुर जी ने कहा, अरे नहीं प्रियतमे, मैं घनश्याम हूं। तो यहां पे श्री जी घनश्याम का अर्थ लेती है नए बादल। अरे बोले, यदि तुम घनश्याम हो तो यहां तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है, यहां पे बारिश करके तुम कीचड़ मत फैला, जाओ उधर वन में और खेतों में चले जाओ, वहां पे बरसात करो। तो फिर लाला बोले, अरे मैं वो नहीं हूं, मैं चक्री हूं। तो चक्री शब्द का अर्थ कुलाल अथवा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो कुम्हार है
वो ग्रहण करके श्री जी बोलती है कि यहां चक्री की आवश्यकता नहीं है, कुमार की आवश्यकता नहीं है, मेरे घर में कोई विवाह आदि उत्सव नहीं है, जहां विवाह उत्सव इत्यादि हो वहां अपने तुम मिट्टी के बर्तन लेकर चले जाओ। तो फिर ठाकुर जी बोले, अरे प्रियतनम मैं तो मधुसूदन हूं। तो श्री जी यहां पे मधुसूदन का अर्थ भ्रमर करके ग्रहण कर लेती है और वे कहती कि अरे यदि तुम मधुसूदन या भ्रमर हो तो शीघ्र यहां से दूर चले जाओ, कहीं पुष्प उद्यान में पुष्पों के ऊपर बैठकर उनका रसपान करो, यहां पुष्पोद्यान नहीं है। और फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि अरे मैं तुम्हारा प्रियतम हरि हूं। तो राधिका हंसकर कहती है, अरे हरि यानी बंदर, तो बंदर की यहां आवश्यकता नहीं है, और हरि यानी सिंह भी होता है, क्या तुम हमें नोचना चाहते हो, चलो भागो यहां से, तुम शीघ्र यहां से किसी गंभीर वन में चले जाओ, हम बंदरों और सिंहों से डरती है। तो इसी प्रकार श्रीमती राधिका और प्रियतम हरि से नाना प्रकार का हास परिहास यहां पे हुआ था, और इसी हास परिहास की भूमि को कोसी कहा जाता है। फिर यहां से आगे एक स्थान है जो कि 1 मील उत्तर और छाता से 3 मील की दूरी पे, जिसको रणवाड़ी कहते हैं। तो नंदनंदन श्री कृष्ण साक्षात मनमत मनमत है, जो कामदेव के मन को भी मत लेते हैं, और श्री जी तो इनकी महाभाव शक्ति है, तो एक दूसरे को आनंदित करने के लिए यहां विविध प्रकार की लीलाएं और स्मर युद्ध में वे संलग्न रहती थी, और इसी के कारण इसका नाम रणवाड़ी है। रणवाड़ी का तात्पर्य है स्मर विलास, और रति केली की जो क्रीड़ा विलास के अनेक लीला है वो इसी स्थान पे हुई थी। फिर इसके आगे स्थान है नरी सेमरी, इसका शुद्ध नाम है किन्नर शामरी, छाता से 4 मील दूर अग्नेय कोणे में ये गांव स्थित है। तो सेमरी के पास दूसरा एक गांव है जिसको कहते हैं, जो 1 मील दूरी पे, उसको नरी, और सेमरी गांव जो है वो युथेश्वरी श्यामला सखी का गांव है। तो किसी समय ऐसे हुआ कि माननीय श्री राधिका ने मान किया, और उस वो जो मान था वो भंगी नहीं हो पा रहा था, ललिता विशाखा आदि सारी सखियों ने प्रयास किया लेकिन उनका मान भंगी नहीं हो रहा था। अंत में सखियों से परामर्श करके श्री कृष्ण शामरी सखी बनकर वीणा बजाते हुए वहां पे आए, और इतने सुंदर रूप से वे गा रहे थे और वीणा वादन कर रहे थे कि श्री जी बहुत प्रसन्न हो गए, और श्री जी ने उनको अपने गले की माला निकाल के देके उनको डालने का प्रयास किया। तब ये शामरी किन्नरी जो थी वे बोली कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो आपका मान दे दो। जैसे ही श्री जी ने सुना कि ये मांग रही है तो श्री जी समझ गई कि ये और कोई नहीं हमारे श्याम ही है। तो वृंदावन लीला अमृत के अनुसार हरि शब्द के अपभ्रंश के रूप में इस गांव का नाम नरी हुआ है, स्थान का नाम किन्नरी से नरी तथा शामरी से सेमरी हुआ है। और एक लीला यहीं पे हुई थी जिसके बारे में कहा जाता है कि जिस समय कृष्ण बलदेव को लेकर अक्रूर जी मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो अक्रूर जी ने दोनों को रथ पर चढ़ाया और बड़े शीघ्रता से वे जाने लगे। तो गोपियां खड़ी हो गई और एक
टक से रथ की ओर देखने लगी, किंतु धीरे 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 रथ आंखों से ओझल हो गया और धीरे धीरे उड़ती धूल में ही भी शांत हो गया। तब वे हा हरि कहते हुए पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े। इसी लीला के स्मृति की रक्षा के लिए महाराज वज्रनाभ ने वहां जो गांव बिठाया वह गांव ब्रज में हरि नाम से प्रसिद्ध हुआ और धीरे धीरे हरि का अपभ्रंश नरी होया। नरी गांव में किशोरी कुंड है, संकर्षण कुंड है और श्री बलदेव जी का सुंदर दर्शन। फिर यहां से जब हम आगे जाते हैं जैसे छाता से 3 मील दक्षिण की ओर, तो वहां पे एक स्थान है जिसको खायरो कहा जाता है और पुरातन काल में इसको खदीर वन कहा जाता था। तो ये ठाकुर जी के गोचारण लीला का स्थान है और यहां पे कई सारे खदीर के वृक्ष हुआ करते थे। तो जब वे फल पक जाते थे उसी समय ठाकुर जी गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ यहां पे आते थे। और यहां पे एक सुंदर कुंड है जिसको संगम कुंड कहा जाता है, जहां पे गोपियों के साथ कृष्ण का संगम होता था और इसी के तट पर लोकनाथ गोस्वामी निर्जन स्थान पे अपना साधन भजन करते थे और कभी कभी भूगर्भ गोस्वामी भी इनके साथ आकर यहाँ पे अपना भजन किया करते थे। पास में ही सुंदर कदम्ब खंडी है और यह परम मनोहर स्थल है आज भी। और यहाँ पे लाला अपने मित्रों के साथ बलदेव जी के साथ बहुत मनोहरी लीला करते थे। और खजूर पकने के समय कृष्ण सखाओं के साथ यहां पर आकर उन खदीरों का भक्षण करते थे, खजूरों का आनंद लेते थे। तो एक समय की बात है जब कृष्ण ने भेजे हुए बकासुर यहां पे आए और इसी स्थान पे श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया था। और जब वो आया तो एक बड़े बगुले के रूप में आया था और भगवान को निगलने वाला था। जैसे उसने भगवान को निगलने का प्रयास किया तो सारे लोग चिल्लाने लगे, अरे खायो रे खायो रे खायो रे। तो उसी के कारण इसको खायरा कहा जाता है। और इसका गांव, इस गांव का नाम खदीर वन पड़ा क्योंकि यहां पे खदीर यानी कत्था जो पान के अंदर एक मसाला डाला जाता है ना, वो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। और भगवान ने बकासुर को यहां से खदेड़ दिया, इसके लिए भी उसको खदेड़ वन भी कहा जाता है या खदीर वन भी कहा जाता है। फिर यहां से जावट और खायरो के पास ही एक स्थान है जिसको बकथरा कहा जाता है, जहां पे भगवान ने बकासुर को मारा था। और इसी गांव का नाम चिल्ली भी है क्योंकि बसा बकासुर की चोंच को पकड़कर भगवान ने उसको बीच से चीर दिया था, इसलिए इस नाम गांव, इस गांव का नाम जो है ये चिल्ली हो। फिर और एक है छोटा सा गांव है जहां पे भगवान गोचारण के लिए अपने सखाओं के साथ आते थे, उसको नेओ छाक कहते हैं। तो छाक शब्द का अर्थ है कलेवा या ब्रेकफास्ट जिसको हम कहते हैं या भोजन सामग्री। तो यहीं पे ठाकुर जी कभी कभी बैठ के भोजन किया करते थे। और जैसे यशोदा मैया अपने पुत्र को लाला को और बलदाव जी के लिए भोजन भेजती थी, वैसे ही अन्य ग्वाल बालाओं की माताएं भी भेजती थी। और बड़े ही कौतुकपूर्ण से हास परिहास करते हुए इसी स्थान पे वह बैठ के छाक पा लेते थे यानी कलेवा कर लेते थे। फिर यहां से एक आगे गांव आता है जिसको भंडागौर कहा जाता है, वर्तमान में इसका नाम भादावली है। और यहीं पे श्री नंद महाराज का भंडार गृह था और ये गोचारण का भी स्थान। तो इसी भदावली से 1 मील दक्षिण में एक गांव है जिसको खापुर कहा जाता है। यहीं पे फागुन की होली में ठाकुर जी ने कई प्रकार के खाद्य पदार्थ खाए थे, इसलिए इसको खापुर कहते हैं।
फिर यहाँ पे और एक स्थान है जो जिसको बैठान या बैठन कहा जाता है। यहाँ पे दो बैठन है, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी बैठन जो है वो वहां पे कुंतल कुंड है, जहां पे सब सकालो भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार कहते थे, और बड़ी बैठन में दाऊ जी का मंदिर है, और छोटी में साक्षी गोपाल का मंदिर है। तो यहां से जब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ो खोर है, यहां पे चरण गंगा भी है और चरण पहाड़ी भी है, और वर्तमान में इस गांव का नाम है बंदखोर। तो ये जो चरण पहाड़ी है यहाँ की, ये छोटी बैठन से एक मील दूरी पर है। यहाँ पे गो गोप श्री कृष्ण बलदेव आदि के चरण चिन्ह है। तो यहाँ का प्रसंग ऐसा है कि एक बार गोचारण करते समय हमारे लाला एक विशाल वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित रूप में खड़े हो गए, और ऐसी मुरली पे उन्होंने तान बजा दी कि जहां पे वो खड़े थे वो पहाड़ी पूरी बहना शुरू हो गई, गल गई, और गलने के कारण सब प्राणी पशु पक्षी गोपी हिरण ऊंट आदि वहां पे भगवान की तरफ आकृष्ट होकर आए। यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये इन सबके चरण चिन्ह केवल आते समय के हैं, जाते समय के नहीं है। क्योंकि जब लाला ने वेणु ध्वनि बंद कर दी तो पत्थर जैसे के तैसे हो गए, पूर्व स्थिति में लौट गया। तो वहां पे चरण चिन्ह केवल आने वाले हैं, जाने वाले नहीं है। तो भक्ति रत्नाकर में कहा गया है कृष्णेर पद चिन्ह यही रहिल सही हेतु चरण पहाड़ी नाम है। तो चरण पहाड़ी और कोटक वन के बीच में रसौली गांव है, जहां पर कृष्ण और गोपियां प्रसिद्ध जो शारदीय रास लीला है वे यहां पे करते थे। फिर यहां से आगे एक गांव है जिसका नाम है कामर। यहां पे ठाकुर जी काम से या प्रेम से व्याकुल होकर श्री जी की उत्कंठा से उत्कंठित होकर श्री जी की प्रतीक्षा कर रहे थे, और काम में व्यस्त होने के कारण इस स्थान का नाम कामर हुआ है। इसमें गोपी कुंड है, गोपी जल विहार है, हरि कुंड है, मोहन कुंड है, मोहन जी का मंदिर है, और दुर्वासा जी का भी मंदिर है यहाँ पे। फिर कोसी से थोड़ा आगे जब हम चले जाते हैं छह मील पूर्व में, यहां पे पैगाम, तो गोचारण के लिए जब लाला अपने सखाओं के साथ आते थे दाऊ जी के साथ, हालांकि यशोदा मैया उनके लिए उनका भोजन दे देती थी, लेकिन एक समय जब छाक मिलने में विलंब हो गई, एक बार उनका वो जो भोजन उनको प्राप्त होने में थोड़ा समय लग गया, तो इसी गांव में आकर इन्होंने लोगों से दूध मांगना शुरू किया, और इसीलिए इस गांव का नाम पय गांव करके प्रसिद्ध है। गांव के उत्तर में पय सरोवर है, और कदम्ब और तमाल वृक्षों से सुसज्जित मनोहर कदम्ब खंडी भी है ये गांव में। तो कोसी और होडल के बीच में दिल्ली मथुरा राजमार्ग के आसपास एक स्थान है जिसको कोट वन या कोटर वन कहा जाता है। ये चरण पहाड़ी से 4 मील दूर पर कुछ पूर्व में है। यहाँ पे शीतल कुंड सूर्य कुंड अतिशय दर्शनीय है, और ये भगवान के गोचारण की और क्रीड़ा विलास का स्थान है। फिर आगे आता है जो वसूली से 1.5 मील दक्षिण तथा कुछ पूर्व दिशा में एक स्थान है जिसको शेषशाही कहा जाता है, और पास में ही क्षीर सागर भी है, और क्षीर सागर के पश्चिम तट में भगवान का अनंत शैया पर शयन करते हुए तथा लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करते हुए सुंदर
विग्रह है उस मंदिर का। तो कहते हैं कि किसी समय कौतिकी कृष्ण श्रीमती राधिका एवं सखियों के साथ यहाँ विलास कर रहे थे और किसी प्रसंग में उनके बीच में अनंत शयी भगवान विष्णु की चर्चा उठी। तो श्रीमती राधिका के हृदय में अनंत शयी विष्णु के शयन लीला देखने की प्रबल इच्छा हो गई। अतः श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें लीला का दर्शन करवाया। अनंत शयी के भाव में आविष्ट होकर श्री कृष्ण ने क्षीर सागर के मध्य में सहस्त्र दल कमल के ऊपर शयन किया और श्रीमती राधिका ने श्री लक्ष्मी के आवेश में उनके चरणों की सेवा की और गोपी मंडली इस लीला का दर्शन करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुई और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनके ब्रजविलास स्तव में इस लीला को इंगित किया है। अतिशय कोमल अंगे श्रीमती राधिका श्री कृष्ण के अतिशय कोमल सुमनोहर चरण कमलों को अपने वक्षस्थल के समीप लाकर भी उन्हें अपने वक्षस्थल पर इस भय से धारण नहीं कर सके कि कहीं हमारे कर्कश कुचाग्र के स्पर्श से उन्हें कष्ट ना हो। उन शेषशायी कृष्ण के मनोरम गोष्ठ में मेरी स्थिति हो। यस्य श्री चरण कमले कोमले कोमलापि श्री राधा चैन निजस्व कृते सन्नयते कुचाग्रे धीता पया दारय नहि दधतस्य कार्कशे दोषात् सश्री गोष्ठे प्रयतु सदा शेषशायी स्थिति नस्तथा। फिर यहां से आगे अन्य कई लीलाएं स्थली है जिनके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो आइए उन नंदन नंदन को हम प्रणाम करते हैं जिनकी इतनी सुंदर लीलाएं हैं और इन लीलाओं के कारण ही हमारा हृदय उनके प्रति आकर्षित होता है। तो ऐसे नंदन नंदन श्याम की इन सारी लीला स्थलियों को वंदन करते हुए हम आज यहाँ पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर कल मिलेंगे और फिर कल चलेंगे हम खेलन वन रामघाट शेरघाट आदि स्थानों पर। बोलो श्री नंदनंदन भगवान की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।